सो ही गाइस वेलकम टू गेमडी यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ ओपन वर्ल्ड कार ड्राइविंग गेम के बारे में। मेरे पास काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहा था कि भाई कुछ ऐसा गेम लेकर आओ जिसके अंदर रियलिस्टिक कार हो, काफ़ी अच्छा मिशन हो एंड साथ ही साथ एक ओपन वर्ल्ड मैप भी हो। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट ओपन वर्ल्ड कार ड्राइविंग गेम फॉर एंड्रॉइड इन 2022। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग इन तक देख सकते हो, सारे गेम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, जाकर एक बार चेकआउट करना। एंड गाइस अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो भाई क्या ही कर रहे हो यार, लाइक कर दो फटाफट से। एंड गाइस अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साइड पे एक बेल बटन है उसको प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो गाइस हमारे लिस्ट पे नंबर 5 पर जो गेम आ रहा है इसके नाम है रियल ड्राइवर लेजेंड। दोस्तों इस गेम के अंदर आपको एक ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिल जाती है, रियलिस्टिक ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप इसके ऊपर देख सकते हो यार कितना बढ़िया ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस गेम के अंदर आपको 20+ रियलिस्टिक कार देखने को मिल जाएगा जिसका फुल कस्टमाइज भी कर सकते हो, अलग अलग कैमरा एंगल से इस कार को आप चला भी सकते हो। ठीक है, मतलब आप बाहर से भी चलाओगे एंड अंदर से भी इस कार को आप चला सकते हो। यहाँ पर आप इसके ऊपर देख सकते हो यार काफ़ी बढ़िया बढ़िया मिशन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे जैसे मिशन को कंप्लीट करोगे ऐसे दोस्तों न्यू कार यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। एंड गाइस यहाँ पर और एक चीज, आप यहाँ पर मल्टीप्लेयर खेल सकते हो। मान के चलो आपके पास नेटवर्क है तो गाइस यहाँ पर आप फ्रेंड के साथ मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो, जो रियल प्लेयर होती है उसके साथ यहाँ पर आप रेसिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। देखो भाई यहाँ पर आपको माउंटेन रोड देखने को मिल जाएगा, हाईवे लोकेशन आपको देखने को मिल जाती है, विलेज लोकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते इस गेम की साइज के बारे में तो साइज होने वाली है 200 MB। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है तो बस इसको डाउनलोड करो, उसके बाद आप जितना चाहो उतना खेल सकते हो। तो कहीं से बात करते हैं नंबर 4 गेम के बारे में, तो नंबर 4 पर जो गेम है इसके नाम है स्पोर्ट कार 3। दोस्तों जो गेम है ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। देखो इस गेम का साइज भी बहुत ज़्यादा कम है, 190 MB गेम का साइज होने वाली है। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है तो बस इसका डाउनलोड करना है, उसके बाद आप जितना चाहो उतना खेल सकते हो। देखो भाई इस गेम के अंदर मेरे को एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि यहाँ पर जो कार का गेट है ना वो यहाँ पर आप ओपन कर सकते हो, कार का जो बोनेट है, जो डिक्की है, वो सब कुछ यहाँ पर आप ओपन कर सकते हो। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा है कि भाई किसी भी गेम के अंदर ऐसा चीज़ नहीं है, आप लोग सिर्फ गेट को ओपन कर सकते हो लेकिन यहाँ पर आप डिक्की वगैरह और जो बुनेट वगैरह होती है सब कुछ आप ओपन कर सकते हो। तो भाई ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा। डिफरेंट डिफरेंट कैमरा एंगल से आप कार को चला सकते हो, इजी कंट्रोल आपको देखने को मिल जाती है, 20+ रियलिस्टिक कार देखने को मिल जाएगा जिसको फुल कस्टमाइज कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पर आप कार पार्किंग कर सकते हो, कार रेसिंग मोड खेल सकते हो, फ्री मोड भी खेल सकते हो। एंड गाइस यहाँ पर टैक्सी ड्राइविंग जो मोड होती है वो भी आप खेल सकते हो, मतलब आपको यहाँ पर टैक्सी ड्राइविंग करने को भी मिलेगा तो उससे आपको भाई काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे, उस पैसे से यहाँ पर आप न्यू कार को खरीद सकते हो। एंड गाइस यहाँ पर आपको स्नो एरिया देखने को मिल जाएगा, हाईवे लोकेशन देखने को मिल जाती है, डिजर्ट लोकेशन देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको विलेज लोकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो गेम है काफी बढ़िया आपको देखने को मिलते हैं, गेम का साइज भी बहुत कम है तो भाई चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो गाइस बात करते हैं नंबर 3 गेम के बारे में, तो नंबर 3 पर जो गेम है इसके नाम है पार्किंग मास्टर मल्टीप्लेयर। दोस्तों इस गेम का नेम ही पार्किंग है लेकिन गेम के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पार्किंग देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर आप फ्री राइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लेयर खेल सकते हो, ड्रिफ्टिंग कर सकते हो एंड पार्किंग मोड को खेल सकते हो। देखो यहाँ पर आपके पास जो गेम है ना पूरी तरीके से ऑनलाइन तो होने वाली है लेकिन अगर आपके पास नेट नहीं है तो गाइस यहाँ पर आप ऑफलाइन पे भी गेम को खेल सकते हो। इस गेम का साइज होने वाली है 320 MB तो भाई आराम से आपको डाउनलोड करके खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, कोई भी लैग वगैरह नहीं करता है। यहाँ पर दोस्तों विलेज लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पर ऑफ रोडिंग कर सकते हो, हाईवे लोकेशन आपको देखने को मिल जाती है एंड माउंटेन रोड आपको देखने को मिल जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट कैमरा एंगल से आप कार को चला सकते हो, 100+ लेवल आपको देखने को मिल जाती है, मतलब काफ़ी बढ़िया बढ़िया मिशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 50+ रियल कार देखने को मिल जाएगा जिसको फुल कस्टमाइज भी कर सकते हो, एक ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिल जाएगा, आप लोग जिधर चाहो उधर घूम सकते हो भाई। ठीक है, एंड गाइस इस गेम का जो साउंड क्वालिटी है ना वो आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है, वेदर कंडीशन यहाँ पर चेंज होता रहता है। तो भाई ओवरऑल जो गेम है काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाती है, मतलब 300 MB के अंदर इतना कुछ देखने को मिलता है तो भाई क्यों नहीं डाउनलोड करोगे यार, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप लोग एक बार ट्राई करके देखो, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। सो गाइस से बात करते हैं नंबर 2 गेम के बारे में, तो नंबर 2 पर जो गेम आ रहा है इसके नाम है इंडियन कार सिमुलेटर। दोस्तों इस गेम के बारे में कौन नहीं जानता, ये जो गेम है ना बेसिकली इंडिया के ऊपर बेस्ड है, मतलब इंडियन रोड आपको देखने को मिल जाती है, विलेज एरिया आपको देखने को मिल जाएगा एंड सिटी लोकेशन आपको देखने को मिल जाती है। एंड गाइस यहाँ पर सारे के सारे इंडियन कार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कुछ दिन पहले दोस्तों इस गेम के अंदर एक अपडेट आ चुका है, अपडेट के अंदर काफ़ी सारे न्यू कार भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपको थार देखने को मिल जाती है, फॉर्चुनर देखने को मिल जाएगा, स्विफ्ट, स्कॉर्पियो और भी काफ़ी सारे कार आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर लगभग
15 प्लस कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा जिसको फुल कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड गाइस अगर आपके पास एक लो एंड डिवाइस है तो कोई सब लोग इस गेम को आराम से ट्राई कर सकते हो, कोई भी लैग वगैरह नहीं करता है क्योंकि दोस्तों इस गेम का साइज बहुत ही ज्यादा कम है, 60 MB गेम का साइज होने वाली है। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है तो बस डाउनलोड करो यार, 60 MB के अंदर आपको इतने सारे चीज मिल रहा है तो भाई क्यों नहीं खेलोगे यार, फटाफट से डाउनलोड करो यार, मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद आता है। एंड गाइस जो एनवायरमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलेगा वो बिल्कुल इंडिया के अंदर होने वाली है। साइड पर आप देख सकते हो खेत वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। तो गाइस अगर आपको एक इंडियन गेम खेलना है वो भी लो एंड डिवाइस के अंदर तो गाइस आप लोग इस गेम पर ट्राई कर सकते हो। आपको ग्राफिक्स भी यहाँ पर बढ़िया देखने को मिल जाती है, अलग अलग कैमरा एंगल से यहाँ पर आप कार को चला भी सकते हो। एंड हॉर्न वगैरह जो है ना वो बिल्कुल इंडियन हॉर्न आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो काफी कमाल की गेम है, चाहो तो एक बार ट्राई कर लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो गाइस बात करते हैं नंबर वन गेम के बारे में, तो नंबर वन पर जो गेम है इसके नाम है कार पार्किंग मल्टीप्लेयर। दोस्तों ये जो गेम है ना सबसे बेस्ट लगता है मेरे को, मतलब अगर आप बोलोगे कि भाई कार सिमुलेटर गेम सबसे बेस्ट कौन सा है तो गाइस मैं बोलूंगा भाई ये गेम, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। गेम का साइज यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, 500 MB गेम का साइज होने वाली है। इस गेम को आप ऑफलाइन पे भी खेल सकते हो, ऑनलाइन पे भी खेल सकते हो, अगर आपके पास नेट है तो गाइस यहाँ पर आप ऑनलाइन पे भी खेल सकते हो, चाहो तो अपने फ्रेंड के साथ भी खेल सकते हो। यहाँ पर दोस्तों देखो कार पार्किंग इसका नेम है, लेकिन यहाँ पर आप पार्किंग के अलावा और भी काफी कुछ कर सकते हो, फ्री राइड कर सकते हो, पार्किंग मोड कर सकते हो, रेसिंग मोड कर सकते हो, एंड गाइस यहाँ पर ड्रिफ्ट मोड भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 100+ आपको मिशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप जीप चला सकते हो, थार, BMW, रेंज रोवर, स्कॉर्पियो और भी काफी सारे व्हीकल यहाँ पर आप चला सकते हो। लगभग 20+ व्हीकल आपको देखने को मिल जाएगा जिसको फुल कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पर आपको ऑफ रोड एरिया देखने को मिल जाती है, हिल रोड देखने को मिल जाएगा, विलेज हाईवे लोकेशन आपको देखने को मिल जाती है। इस गेम के अंदर आपको काफी बढ़िया ग्राफिक्स है, अगर आपके पास 3 GB रैम की डिवाइस है तो गाइस आप लोग आराम से ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 2 GB या फिर 1 GB रैम की डिवाइस है तो भाई इस गेम को ट्राई मत करना, अपने मोबाइल फोन के अंदर ये जो गेम है चलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको रियल साउंड क्वालिटी भी देखने को मिल जाती है, वेदर कंडीशन यहाँ पर चेंज होता रहता है, बारिश भी होता है, तो भाई गेम खेलने में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाली है। एंड गाइस देखो यहाँ पर ना सिर्फ आपको कार देखने को नहीं मिलता, आपको जीप गाड़ी देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ट्रक भी देखने को मिल जाती है, तो काफी कमाल की गेम है, चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो गाइस आई होप कि आज की वीडियो को पसंद आ चुकी है, इस तरीके से वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड पे एक बेल बटन है इसको प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। तो चलो यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अच्छे रहना, ख्याल रखना, बाय बाय।